हाय फूडीज, आज हम लेकर आए हैं गणेश का 14-in-1 क्विक डाइसर एंड चॉपर। तो एक्चुअली जब भी हम कुकिंग करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो एक बोरिंग पार्ट होता है वो होता है कटिंग एंड चॉपिंग। तो ये जो चॉपर है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉपर आई हैव एवर सीन, जो कि मैनुअल है। तो इसमें क्या है, ये नीचे एक बॉक्स दिया गया है ट्रांसपेरेंट सा, जिसके अंदर आपकी सब्जियाँ कट करके जाएंगी। और इसके ऊपर जो बॉक्स है ना, उसमें देखो एक पुश बटन दिया हुआ है, और इसके सहारे आप जब पुश करते हो तो आपकी वेजिटेबल सारी कट होती हैं। और जब बटन को आप पुश करते हो ना, तो उसमें से गंदगी या धुलने में बहुत आसानी होती है। अब इसमें ये एक ऐसा ये ब्लेड दिया हुआ है, तो इसमें लंबी लंबी चॉपिंग होगी आगे वाले में, और पीछे वाले में आपको बड़ा बड़ा कुछ कट करना है तो वो कट हो जाएगा। एक सेकेंड ब्लेड है, इसमें चकोर है, जस्ट लाइक हम बिरयानी बनाते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे एकदम बराबर बराबर के स्लाइसेस चाहिए होते हैं उसके लिए आगे वाला, और पीछे वाला नॉर्मल सब्जी के लिए। जस्ट हमें सब्जी रखनी है, बीच में पुश करना है, सब्ज़ी पूरी कट के बाहर आ जाएगी। और नीचे जो बॉक्स है वो अच्छा खासा कैपेसिटी का है, तो उसमें अच्छी खासी सब्ज़ी जो है वहाँ पर कलेक्ट होती चली जाती है। आप आराम से रात को काट के फ्रिज में रख सकते हो और मॉर्निंग में जल्दी उसको बना सकते हो। अब इसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जो थर्ड वन है वो इस तरीके से इसको हम लगाएंगे। अब इसको हमने सेट कर दिया, और इसके साथ में ना 5 से 6 ऐसे प्लेट्स मिलते हैं इसमें, कि आपको कद्दूकस करना है या फिर किस शेप में आपको कट करना है, सैलड बनाना है तो सैलड ब्लेड्स भी हैं इसमें। और आपको जो आलू के लोग चिप्स बनाते हैं वो चिप्स भी है, चकली के डिज़ाइनर है इसमें। और चिप्स आपको मोटे बनाने हैं कि पतले बनाने हैं, उस हिसाब से भी आपको दिए हुए हैं ब्लेड्स। तो आपको जैसा भी आपको कट करना है, उस हिसाब से आपको ब्लेड्स इन्होंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। जैसे ये थोड़ा मोटा है, ये पतला है, ये बेसिकली हमारे सैलड के भी काम आते हैं। मैंने जैसे चुकंदर, मैं इसमें सैलड बनाती हूँ, चुकंदर की बहुत अच्छी बनती है और बहुत फटाफट। मोटे वाले में मैं खीरे का सैलड बनाती हूँ, बहुत जल्दी और बहुत फटाफट एकदम प्रोफेशनल सैलड बनती है। और इसके साथ में इन्होंने ये स्टैंड टाइप का दे रखा है, उसमें आगे ना ऐसे शार्प दांत टाइप के बने हुए हैं, तो जब भी हम सैलड करते हैं, फिर कुछ भी घिसते हैं ना, तो उसको आप इस आलू के चिप्स बना रहे हो तो उसको इसमें बस फंसाया, जिससे कि आपके हाथ कटने का डर नहीं है, जो कि ये सच में बहुत बढ़िया चीज़ है। चुकंदर कुछ भी आप आराम से उसको फंसाया और आराम से घिस सकते हो, तो सैलड बनने बहुत ईजी रहता है। अब मैं आपको लाइव डेमो देती हूँ कि कैसे इसमें वेजिटेबल्स जो है वो कट की जाती हैं। इसमें मैं कैरेट रख रही हूँ। मैंने कैरेट का डेमो आप लोगों को इसलिए देना जा रही हूँ क्योंकि कैरेट जो होती है ना, वो काफ़ी हार्ड होती है। अगर कैरेट कट जाएगी तो फिर आलू, प्याज, टमाटर तो इजीली कट ही जाएंगे। दैट्स वाई मैंने कैरेट का इसमें डेमो दिया है। जस्ट उसको ऐसे रखना है हमें और उसको करना है पुश। जैसे हमने पुश किया, देखो जितनी भी हमारी कैरेट थी ना, वो सारी ये बिरयानी के टाइम पे जब बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छी लगती है, एकदम इक्वल। देख रहे हो आप, आप चाकू से कितना भी करोगे इतने इक्वल शेप्स नहीं आएंगे। और सेम ऐसे ही टमाटर, ऐसे ही बीन्स, आलू जो भी आपको कट करना है, प्याज, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही आती है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरी किचन में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आपको नॉर्मल सब्जी बनानी है तो फिर आप क्या करोगे, ये बड़ा है तो बहुत ही जल्दी कट जाएगा। जस्ट हमने ऐसे किया और जो हमारे जो कैरेट है उसके थोड़े से बड़े बड़े पीसेस आ गए, क्योंकि सब्जी के लिए थोड़े से बड़े बड़े पीसेस चाहिए होते हैं ना, बट सारे इक्वल, क्योंकि सब्जी तभी अच्छी लगती है जब सारे उसकी जो वेजिटेबल्स हम कट करते हैं वो इक्वल और बहुत अच्छी कट की गई हो। अदरवाइज कोई भी छोटी कुछ बड़े तो वो प्रेजेंट करने में अच्छी नहीं लगती सब्जी। तो इस हिसाब से बहुत बढ़िया है ये वाला ब्लेड, नॉर्मली ये ब्लेड बहुत यूज़ होता है। अब मैं आपको एक प्याज कट करके दिखाती हूँ। देखो मैंने वैसे ही जस्ट हाफ किया, बस छीला, धोया, हाफ किया, प्याज पूरी कट के तैयार, जो कि हमारे तड़का लगाओ हर चीज़ के लिए ज़रूरत रहती है, बिल्कुल छोटी छोटी। और कितना टाइम लगा, कुछ सेकेंड जस्ट, बस मैंने इसको धोया, धो के जस्ट हाफ किया और कर दिया। इसमें आप टमाटर तो एक बार मैंने खुद भी ट्राई किया, पूरा टमाटर मैंने एक साथ रखा, पूरा सीधे छोटे छोटे चॉप होके सीधे बाहर आ गया। तो इस तरीके से आप कट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरा ब्लेड है, इसमें पीछे वाला जो है ना वो लंबा लंबा कट करता है और आगे वाला बड़ा बड़ा। जैसे पीछे वाला आपको लंबे लंबे शेप में आपको सब्जी बनानी है किसी भी चीज़ की, तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा, देख रहे हो। बट जो इक्वालिटी आती है ना सब्जी की, वो बहुत अच्छी होती है। और इसका जो ब्लेड्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं और काफ़ी मजबूत है, वारंटी तो देते हैं कि अनब्रेकेबल है। इस तरीके से आप पूरा टमाटर भी रख सकते हैं, बट मैंने कट करके हाफ रखा है, तो वो भी ईजिली जस्ट हमने ये पुश किया
और टमाटर पूरा कट गया हमारा। और देखो कितनी बढ़िया कटा है, मतलब बिल्कुल हलवा नहीं बना है, लाइक ग्रेवी टाइप से बनाओ, कितने अच्छे टुकड़े आए हैं। अब इसके साथ में फ्रेंड्स मुझे एक ये भी मिला है, लाइक जब अदरक वदरक या फिर कुछ भी छोटा छोटा आपको ग्रेट करना है वो मिला है, और साथ में ये स्लाइसर मिला है। ये यकीन मानो बहुत अच्छा है, लाइक मैंने मतलब मेरे पास और भी थे बट वो इतने अच्छे नहीं थे। ये इसे आलू छीलो, और सबसे ज़्यादा तो खीरा छीलने में इतना ईजी होता है ना, इतना शार्प है ये, फटाफट छीलता है, तो बहुत अच्छा है ये। तो फिर गाइज़ ये मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, एंड आप भी अपनी किचन में अगर सच में हेल्पफुल और एक बहुत यू नो प्रेजेंटेबल वेजिटेबल्स चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर मंगाएं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।